तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और मिशन 2023 में अभी तक बच्चों हमने अपने 16 के 16 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उन सारी चीजों को मैंने अच्छे से आपको क्लियर करा दिया है। आज की इस क्लास में आपको सैंपल पेपर के बारे पढ़ाने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं और उसका हम आंसर राइटिंग कैसे करें कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले। देखिए बच्चों, क्या होता है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तो आते हैं, लेकिन कई बार आपकी रिप्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो चेक करने वाला है होता है वो आपके नंबर को काट देता है। तो सर, हम कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, कैसे लिखें कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले, कोई सा भी नंबर ना कटे, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर की सहायता से। सबसे पहले मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने आंसर राइटिंग करेंगे कि ताकि हमें पूरा में पूरा नंबर मिल सके। तो बिल्कुल बच्चों, आ जाइए मेरे साथ जुड़ जाइए और आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बच्चों, जो हम बात कर रहे थे उस मिशन का नाम क्या है, तो सर मिशन का नाम है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो खूबसूरत सा बिंदु होने वाला है, वो क्या है, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिल सके, इसके बारे में हम बात करने वाला, ठीक है। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हो, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज में आपको एक निर्देश देखने के लिए मिलेगा। उस निर्देश के बारे में सबसे पहले हम पढ़ना पसंद करेंगे। देखिए, यहां पर मैं एक मॉडल पेपर लिया हुआ हूं, प्रादर्श प्रश्न पत्र लिया हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो प्रादर्श प्रश्न पत्र है ये गणित छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं के लिए। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा गया समय 3 घंटा। कितना है समय, है आपके पास 3 घंटा। इन 3 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है इसका एक और वीडियो में लाने वाला हूं। तो आपको 3 घंटे में पूरा 18 के 18 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है बच्चों। आपके पास समय कितना रहेगा, 3 घंटे रहेंगे। और पेपर कितने अंकों के लिए होगा, सर ये होगा 75 अंकों के लिए। कितना, 75 अंकों के लिए होगा। 25 नंबर जो आपका होता है वो इंटरनल नंबर होता है, 25 में से बिल्कुल आपके जो टीचर होते हैं वो आपको 24 नंबर 23 नंबर दे ही देते हैं। हमें जो फोकस करना है वो इस 75 पर करना है, इस 75 पर हमें फोकस करना है, तभी हम टॉप लिस्ट पे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। आप देखो, अब अपने प्रश्न पत्र को देखोगे तो पहले ही फ्रंट पेज में आपको एक निर्देश देखने के लिए मिलेगा। ये जो निर्देश होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे होते हैं। यहां पर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिख कर लाया हूं, और आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में लिखे होते हैं। बिल्कुल, यहां तक की कहानी सर मैं अच्छे से समझ गया। अब देखो, एक एक करके मैं निर्देश को पढ़ते हुए चलता हूं। सबसे पहला नंबर का निर्देश क्या कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बिल्कुल, 18 के 18 प्रश्नों को सॉल्व करना अनिवार्य है, ये पहला हमारा निर्देश हो चुका। दूसरा निर्देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। ऐसी कोई भी सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जैसे कि आपके पास आजकल बच्चे क्या बनते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह बनते हैं, फोन वगैरह रखते हैं, तो ऐसी कोई भी चीजें जिसमें कैलकुलेटर वगैरह हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, उसे आप बिल्कुल लेकर नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में, इसको आप अवॉइड करेंगे। बिल्कुल सर, दूसरे नंबर के निर्देश को हमने समझ लिया। अब देखो, तीसरे नंबर के निर्देश से आपका प्रश्नों के बारे में बोलना स्टार्ट हुआ है। क्या बोलता है, देखो, प्रश्न क्रमांक एक में 3 खंड होते हैं, प्रश्न क्रमांक एक में 3 खंड होते हैं। खंड अ में बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, आपको प्रश्न के साथ साथ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4ों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही उत्तर होता है, उसका हमें चयन करना होता है, यह होता है बहुविकल्पी प्रश्न। अब खंड ब में क्या होता है, सत्य या फिर असत्य लिखना होता है। आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, सॉल्व करना है और बताना है कि वह कथन सत्य या फिर असत्य। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब खंड समय क्या बोलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किया हुआ है, मैं कई बार कराया भी हूं, आगे और सॉल्व करेंगे जब हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एक टाइम और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो,
और प्रत्येक खंड में 5 अंक आवंटित है। तो प्रश्न क्रमांक 1 3 खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड सा। प्रत्येक जो खंड है वो 5-5 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 या 15। तो एक एक नंबर के लिए आपको 15 क्वेश्चन किया जाएगा। कितना? 15 क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है सर, आ जाओ। अब निर्देश नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो निर्देश नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक जो 2 से लेकर 6 तक है ना, वो अति लघु उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 2-2 अंक आवंटित होते हैं। 2 से लेकर 6 तक में कितने प्रश्न, कितने नंबर के लिए क्वेश्चन होगा आपका? 2-2 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाएगा। बिल्कुल सर, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब निर्देश नंबर 5 में बोलता है कि 7 से लेकर 10 तक ये भी अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 3-3 अंक के होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 से 1.5 पेज में देना होता है। ये कौन सा प्रकार होता है सर? ये होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है बच्चों। यहां तक की भी कहानी समझ में आ चुकी। अब चलते नेक्स्ट। अब है निर्देश नंबर 6। तो निर्देश नंबर 6 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक ये क्या है? सर ये लघु उत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर ना, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। अब ये आपको नया वर्ड देखने के लिए मिल गया होगा। अब इसके बारे में समझते हैं। आंतरिक विकल्प का मतलब यह होता है कि 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, मैंने क्या बोला, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो अथवा वाले होते हैं। एक ऊपर में क्वेश्चन और एक अथवा करके नीचे में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उन दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको आता भी है तब भी आपको एक ही का उत्तर देना। ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम दोनों को लिख देंगे तो हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा क्या? होशियारी बिल्कुल नहीं मानना। जितना पूछा जाएगा उतना ही करना है। आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, अथवा वाले में केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यह हमारा कहलाता आंतरिक विकल्प। बिल्कुल सर, हमने इसको समझ लिया। अब देखो, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है, मैंने तो उसको समझा दिया। चलो अब चलते हैं निर्देश नंबर 7। तो निर्देश नंबर 7 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16, यानी कि 2 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16, ये लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प, मतलब कि इसमें क्या होता है, अथवा में करके आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना होता है। और प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 5 अंक आवंटित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16, यानी कि 2 प्रश्न 5-5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। अब लास्ट नंबर। तो निर्देश नंबर 8 क्या कहता है कि सर प्रश्न क्रमांक जो 17 एवं 18 है, यानी कि 2 प्रश्न जो है वो क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं और इसमें भी आंतरिक विकल्प होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से किसी एक का आपको आंसर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित होते हैं, 6-6 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे करने वाला है। तो ये निर्देश को हमने पहले से पढ़ लिया, अब आप एग्जाम हॉल में पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, यही निर्देश आपको देखने के लिए मिलने वाला आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज में। वहां पर 2 भाषाओं में लिखी हुई मिलने वाली है, यहां पर केवल मैंने हिंदी में इसको समझा दिया। अब हम चलेंगे अपने मॉडल पेपर की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, और एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं दे चुका हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है। मैं बस आपको लिखने का तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनर हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे, पूरा में पूरा नंबर दे, इसके बारे में बात करने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे जो यूट्यूब सीरीज बना हुआ है उसको जाकर आप बिल्कुल देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर वहां से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आ जाओ आ जाओ। चलिए, तो ये रहा आपका प्यारा सा खूबसूरत सा नजारा आ रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जहां पर मैंने अभी आपको निर्देश में ही बताया था कि क्या कि प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड होते हैं। तो खंड अ आपको यहां पर दिख रहा होगा जो कि सही विकल्प चुनकर लिखे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। अब देखो सर, यहां पर ये प्रश्न तो दिख रहा है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि हम 3 घंटे में पूरे 18 के 18 क्वेश्चन को बना लेंगे। देखो चलो पहले नंबर का क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सर बोला गया कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 49
के शून्यक होंगे। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, चारों ऑप्शन को लिखते हैं, फिर उत्तर करके उस उत्तर को लिखते हैं जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का उत्तर आने वाला है, आंसर आने वाला है। इसमें आपका टाइम बहुत लॉस हो गया। क्वेश्चन को उतारोगे, चारों ऑप्शन को उतारोगे तो आपको बिल्कुल 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, या फिर कम से कम आपको 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। 3 मिनट क्यों देना भैया, 3 मिनट क्यों देना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्टली देखो क्वेश्चन को पढ़ लिए, सब बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को जाओ रफ में हल करो, और रफ, अब रफ करोगे किधर, तो जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा उसके लास्ट वाले पेज में आप क्या करोगे, रफ वर्क करोगे, और रफ वर्क लिख देना है, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसको एक लाइन से ऐसे काट देना है। तो क्या करोगे, लास्ट वाले पेज में रफ वर्क करने वाले हो। सर बिल्कुल रफ वर्क कर लेंगे, अब इसको लिखेंगे कैसे, चलो मैं आपको लिखने का अब तरीका बताता हूं। देखो आ जाओ, एक भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताने वाला, देख लो, चलो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका आंसर शीट है, इधर वाला पोर्शन मान लो कि आपका आंसर शीट है जहां पर आपको उत्तर लिखना है। अब हमें प्रश्न क्रमांक 1 खंड अ का उत्तर लिखना है। सर लिखेंगे कैसे, मुद्दा ये लिखेंगे कैसे, आ जाओ। तो प्रश्न क्रमांक 1 का खंड अ का उत्तर लिख रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे पता है, यहां पर आप लिखोगे उत्तर क्रमांक, देखो एक सेकंड ना, उत्तर क्रमांक ये हो चुका सर, उत्तर क्रमांक किसका, उत्तर क्रमांक 1 का, तो यहां पर लिखो 1, और हम किसका उत्तर दे रहे हैं, खंड अ का, तो यहां पर बिल्कुल ब्रैकेट में लिख दो खंड अ, क्या लिख दिए, खंड अ लिख दिए, ठीक है बच्चों। ये पूरा एकदम मस्त से साफ साफ अक्षरों में लिखना, एकदम सेंटर में लिख देना, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच दो, हाईलाइट हो जाएगा, एक लाइन बस, एक ही कलर का यूज करना है, पेन 2 कलर का बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको, या तो ब्लैक या तो फिर ब्लू, ब्लैक या फिर ब्लू, या दोनों में से किसी एक का ही आपको यूज करना है, और वो डॉट पेन होनी चाहिए, बिल्कुल जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन अगर आपने यूज किया तो आपका जो आंसर शीट है वो चेक ही नहीं होगा। तो होशियारी नहीं मानना है कि मैं सर 3-4 कलर का यूज करूंगा तो मेरा आंसर शीट बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसा करोगे तो आपका ही नंबर, आपका कोई, आपका आंसर शीट ही चेक नहीं होगा। तो आपको एक ही कलर का यूज करना है, या तो ब्लू कर लो या तो फिर ब्लैक कर लो, ठीक है, और डॉट पेन का ही यूज करोगे, ठीक है। तो सर हमने यहां पर लिख दिया उत्तर क्रमांक 1 खंडा। अब मान लो कि हमें पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे देंगे देखो, तो क्वेश्चन को पढ़ो समझो और रफ में जाकर सॉल्व करो। रफ में जाकर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैं यहां पर आपको सॉल्व करने का तरीका नहीं बताऊंगा, बस लिखने का तरीका बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको एग्जाम सीरीज के अंदर एकदम बताया हुआ, डिटेलिंग से बताया हुआ है, हर चीजों को यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस एग्जाम में लिखना कैसे है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे इसके बारे में बात करने वाले। देखो अब सर हमें यहां पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर डालो पहला नंबर। अब मान लेते हैं कि सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ना वो ऑप्शन नंबर है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर में जो भी दिया गया उसको बस छाप दो। सर छाप दिया, बस इतना ही करना है, इतना ही लिखना, बस आंसर को ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मात्र आंसर को ही लिखना है, क्वेश्चन को कोई नहीं उतारेगा, कोई भी नहीं उतारेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं उतारना है, डायरेक्टली हम अपने आंसर को लिख दी। सर बिल्कुल यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी, ठीक है सर। अब देखो मान लेते हैं कि दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द आया है, तो सर इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल दूसरा नंबर यहां पर डालो और ऑप्शन नंबर कौन सा आया है, ये द आया है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस माइनस, फिर है सर ये वर्गमूल एसी है, बिल्कुल दूसरे नंबर का क्वेश्चन का भी हमने आंसर दे दिया। इसी प्रकार से आप तीसरा नंबर का लिखोगे, फिर चौथा नंबर का लिखोगे, फिर आप लिखोगे पांचवा नंबर का। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, 5 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सोचो अगर इसमें आप सारे क्वेश्चन को उतारते तो कितना टाइम लगता, आधा घंटा तो इसी में लगा, आधा घंटा नहीं लगता, 15 मिनट तो लग जाता, सारे क्वेश्चन को उतारते, सारे ऑप्शन को उतारते, फिर आंसर लिखते। भैया ऐसा करने के लिए कौन बोला जा रहा है, अब तो ऐसा तो नहीं है कि जो चेक करने वाला होगा उसके पास आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, बिल्कुल उसके पास क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर को ही देख देख कर करता है, तो आपको क्वेश्चन उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्टली हम अपने आंसर को लिखने वाले हैं। बिल्कुल सर हमने इसको लिखने का तरीका समझ लिया। अब देखो खंड अ के बारे में चर्चा कर लिए, तो खंड ब के बारे में की छोड़े, इसको भी देख ले, जा जाओ खंड ब। खंड ब में क्या बोला गया है कि सर सत्य या फिर असत्य बताना, सत्य या फिर असत्य बताना, ठीक है सर, बताने कोई दिक्कत नहीं है। देखो
अब हमें प्रश्न क्रमांक एक के खंड ब का उत्तर लिखना है। तो मान लो ये नीचे वाला पोर्शन आपका क्या है, आंसर शीट है, तो कैसे लिखोगे आप एकदम बीच में अपने उत्तर पुस्तिका के बीच में लिखोगे उत्तर क्रमांक। उत्तर क्रमांक क्या लिखोगे, एक का आंसर हम दे रहे हैं तो उत्तर क्रमांक एक हुआ और हम किसका आंसर लिख रहे हैं, खंड ब का। तो यहां पर सर ये हो चुका खंड ब, बिल्कुल सर हमने खंड ब यहां पर लिख दिया। एक लाइन ऐसे खींच दो ताकि वो अच्छा दिखने लग जाएगा, सर बिल्कुल अच्छे से खींच दिया। अब देखो चलो पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व कहां पर करोगे, रफ में करोगे। ठीक है, क्या बोला गया, द्विघात समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में x का जो मान है वो 0 तथा 8 होगा। ठीक है, ये कथन दिया गया। अब आपको पढ़ना है, सोचना, समझना है, सॉल्व करना है और बताना है कि यह कथन सत्य या फिर असत्य है। तो क्वेश्चन को कोई नहीं उतारेगा, मुझे मान लो कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना है और मान लो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सत्य आया है कि बिल्कुल जो x का मान है वो 8 है। अगर ये आ चुका तो आपको यहां पर लिखना सत्य, क्या लिखोगे, सत्य लिखोगे। अब दूसरे वाले कथन अगर भी मान लो आ गया सत्य तो क्या लिखोगे, यहां पर आप लिख दोगे सत्य। उसी प्रकार से तीसरे वाले क्वेश्चन, चौथे वाले क्वेश्चन और पांचवे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, बस सत्य या फिर असत्य लिखना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। बिल्कुल पांच मिनट में भी इसका भी काम तमाम आप कर सकते हो, इतना इजी होता है बोर्ड एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, बताओ पता नहीं बच्चों से बनता कि नहीं, इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो चेक करने वाले को भी अच्छा मजा आएगा, देखेगा अरे भैया बच्चे तो अच्छा राइटिंग बना के लिखते हैं, साफ साफ अक्षरों में लिख रहा है एकदम, तो वो पूरा में पूरा नंबर देगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आ जाओ सर खंड ब के बारे में चर्चा कर लिए, अब खंड स के बारे में बता दो, बिल्कुल बता देंगे। आ जाओ तो खंड सर यहां पर दिया गया है कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर से बच्चे यहां पर गड़बड़ी करते हैं, क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन को उतारते हैं, पूरा क्वेश्चन को उतारते हैं। अब मान लो कि 12 और 6 का तृतीय अनुपाती, चलो मान लेते हैं कि 8 आया, क्या आया, 8 आया। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन को उतारने के बाद फिर खाली स्थान की जगह में लिखते 8 होगा, भाई क्वेश्चन को उतारने के लिए कौन बोल रहा है, जो चेक कर रहा है उनके पास तो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रहता है तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। मान लो ये आपका क्या है आंसर शीट है, सेंटर में लिखो, बिल्कुल सेंटर में लिखो, क्या लिखोगे, उत्तर क्रमांक, उत्तर क्रमांक सर हमने लिखा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाओ एक, क्योंकि हम पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब ये कौन सा खंड है बच्चों, चलो बताओ सर ये खंड स है, बिल्कुल क्या है, खंड स, तो चिपका यहां पर खंड स, बिल्कुल सर खंड स चिपका दिया। एक लाइन ऐसे खींच दो, क्या दिक्कत है, एक लाइन खींचने में क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल सर खींच दिए, स्केल से खींच दो एकदम सीधी लाइन। अब मान लो कि पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर आया हुआ सर 8 है, बिल्कुल ये 8 बस लिखना है, 8 बस लिखना है, पूरा क्वेश्चन को नहीं उतारना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी का भी आप आंसर लिखोगे, पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और इन क्वेश्चनों को हल कहां पर करोगे, अपने पीछे साइड आंसर शीट के लास्ट वाले पेज में जहां पर आप रफ वर्क का कार्य करोगे वहां पर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले और सत्य असत्य और रिक्त स्थानों वाले पूर्ति जो एक एक नंबर वाले होते हैं, इसको आप रफ में सॉल्व करके कहां पर लिखोगे, जहां पर इसका आंसर लिख रहे वहां पर आपको इसको बस आंसर को लिखना, बिल्कुल सर मैं इसको लिखने का तरीका समझ गया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सर एक नंबर वाले क्वेश्चन को तो लिखना सीख लिया, ठीक है इसमें तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अब दो नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे लिखें, एक भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बस लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है मैं बार बार रोज बात को नोटिस करना। चलो सर दो नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना, क्या बिल्कुल गलत है, देख लो। तो ये रहा आपका दो नंबर वाला क्वेश्चन। मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो दोनों भाषाओं में लिखे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको लिखे हुए मिलने वाले हैं, क्योंकि हम यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने हर एक चीजों को हिंदी हिंदी में लिखवाया, लेकिन लेकिन आपके जब एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पेपर हो जाओ रहेंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे, दो भाषाओं का समावेश रहेगा, जो हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ। सब्जेक्ट जो इंग्लिश होता है ना वो बस मात्र आपका किस में लिखा रहेगा, आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा, और जो आपका हिंदी रहेगा वो भी आपका हिंदी बस में लिखा रहेगा। बाकी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ये सारे जो है वो आपके बाइलिंगुअल होने वाले, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, चलो
सर ये दो नंबर वाले क्वेश्चन हमारे पास पांच आते हैं, कितने पांच क्वेश्चन आते हैं, तो दो पंच दस, दस नंबर के लिए आपके पास दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सर हमें इसको समझ लिया। सर पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? अब देखो मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवाने वाला हूं, बस लिखने का तरीका वो भी एक ही क्वेश्चन का बताऊंगा, बाकी किसी भी क्वेश्चन का नहीं बताने वाला हूं। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने एग्जाम सीरीज के अंतर्गत करवाया हुआ है। चलो पहले नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उसमें क्या करना, पहली बात तो जो प्रश्न में दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया उसको पहले लाइन में लिख दो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलता है। चलो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको पूरा बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद से करना। देखो अब मान लो ये आपका क्या है, आंसर शीट है सर, बिल्कुल ये हमारा आंसर शीट है। अब यहां पर लिखो अब हल, क्या लिखोगे, हल लिखोगे। पहली बात देखो दोनों आप क्या करोगे, आपके पास मार्जिन तो पहले से खींचा हुआ रहता है, आपको मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपके आंसर शीट में। ठीक है, यहां पर ऐसे मार्जिन खींचा होगा और इधर भी कुछ जगह छूटा हुआ रहता है, बिल्कुल आपको मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं है। साइड पर लिखो हल, क्या लिखो, हल। अब चूंकि हल लिखने से पहले हम किसका आंसर दे रहे हैं, हाँ सर हम आंसर किसका दे रहे हैं, तो हम आंसर दे रहे हैं प्रश्न क्रमांक दो का, किसका, प्रश्न क्रमांक दो का। तो सेंटर में क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे, आ जाओ यहां पर लिखोगे उत्तर क्रमांक दो, क्या लिखोगे, उत्तर क्रमांक दो, उत्तर क्रमांक सर ये हो चुका दो, क्या हो चुका सर ये हो चुका दो। बिल्कुल एक लाइन ऐसे आप यहां पर बना दो सर, बिल्कुल बना दिया। अब साइड में हल लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहां पर आपने उत्तर लिख दिया, फिर भी हम यहां पर लिख देते हल। ठीक है, अब देखो, अब देखो हम पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसमें पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन में जो दिया गया उसी को लिख लो। हमें यहां पर ना बच्चों एक बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया, बहुपद दिया गया, तो सर इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहां पर लिख लो दिया है, क्या दिया है, ठीक है ये दिया है, ठीक है ये पहला स्टेप दिया है। सर क्या दिया है, सर ये दिया गया कि x स्क्वायर प्लस का सर ये tan x है और प्लस का सर यहां पर 24 दिया गया। बिल्कुल सर ये हमें बहुपद दिया गया है, हमने दो लाइन का काम कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, तीसरे लाइन में क्या करोगे, आपको जो ज्ञात करना, जो मान ज्ञात करना उसको लिखोगे, या फिर जो सिद्ध करना होता है उस सिद्ध करना उस बात को लिखोगे। यहां पर हमें मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्या होगा, तो हम तीसरे लाइन में क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। टाइम भले ही लग जाएगा लेकिन आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका चलेगा तो बिल्कुल एक नंबर भी आपका नहीं करने वाला है। सर मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, तो बच्चों हमें मान ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल, तो इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। सर हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल हमने दोनों को चिपका दिया, ठीक है आ जाओ, एवं गुणनफल, ठीक है काट छाट बिल्कुल नहीं करना, अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको एक लाइन से बस काट देना है, एक लाइन से भी काट देना है, और व्हाइटनर वगैरह कोई लेके नहीं जाएगा, व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करते एग्जाम हॉल में। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सर हमने यहां पर मान ज्ञात करना है, लिख दिया सुनने को का योगफल एवं गुणनफल का हमें मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, बीच में पूरा आप सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे देखो, चलो मैं इस क्वेश्चन को बस आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः शून्य, यहां पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, इसकी तुलना करते हो आप मानक बहुपद से। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करने करके दिखाते रहा बच्चों तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अगर इस क्वेश्चन को आपको सीखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम सीरीज के अंतर्गत जो आपका अध्याय एक होता है बहुपद, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस लिखने का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इतना करोगे इतना आपको करना है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिया है उसी को लिखा है, जो दिया उसी को लिखा है। अब यहां पर बीच में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मैंने एग्जाम सीरीज के अंतर्गत बताया गया है। अब मान लो आपका उत्तर आ चुका है कि सर हमें शून्यकों का योगफल, चलो हमें पता कि सर यहां पर शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, तो यहां पर -10 इसका उत्तर आएगा, c/a ये गुणनफल का होता है सर, यहां पर आता है 24। ठीक है, यानी कि शून्यकों का सर हमने योगफल तो निकाल लिया 10 और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया 24, यहां पर बीच में कुछ सॉल्व करोगे ना,
मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो तो लास्ट लाइन, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के लास्ट लाइन में ये आपको शब्द लिखना है, जो मान ज्ञात कर रहे थे उस मान ज्ञात की हुई राशि को यहां पर लिखना है। अतः शून्यकों का पहले योगफल निकाले थे ना, योगफल बराबर क्या निकाले बच्चों, हमने निकाला हुआ 10 तथा गुणनफल। अच्छा यहां पर -10 होगा ना, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अतः योगफल -10, क्योंकि सूत्र में क्या होता है -b अपॉन होता है। अतः शून्यकों का योगफल बराबर -10 तथा गुणनफल बराबर 24 है, बिल्कुल लास्ट लाइन में ये आपको लिखना है। अगर एक पेज में मैंने तो भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम साफ साफ राइटिंग में लिखना है, और हर एक स्टेप को लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़कर ऐसे लिखते जाना, आपका लिखने का तरीका एकदम सही से होना चाहिए। अगर ऐसा आपने लिखा तो बिल्कुल पूरा में पूरा आपको नंबर मिलने वाला, 2 में से 2 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमने इसको सीख लिया। अब बाकी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकते हो, सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला, ये सारे जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2-2 नंबर के लिए आने वाला, बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। चलो अब प्रश्न क्रमांक 3 वाले बात है, मैंने कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन बात है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होते हैं सर, प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 तक, ये प्रश्न क्रमांक जो 7 से लेकर 10 तक है ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इसका भी मैं एक भी क्वेश्चन को आपको लिखने का तरीका नहीं बताने वाला हूं, क्यों, क्योंकि मैंने 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन बता चुका हूं, सब में आपको वैसे करना है, पहले जो दिया है उसको लिखोगे, फिर जो आपको मान ज्ञात करना या फिर सिद्ध करना उसको लिखोगे, और लास्ट लाइन में जब आपका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा तो अतः करके आप उस आंसर को लिखने वाले हो, बिल्कुल इस तरह से आपको लिखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहां पर हम चलते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, और मैंने बता कर रखा हुआ था कि 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अथवा में रहते हैं सर, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहां पर प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक ये कैसे होते हैं, ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न पर 4-4 अंक होते हैं और आंतरिक विकल्प होते हैं, 2 क्वेश्चन एक ऊपर में और एक नीचे में। अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप यहां पर मुझे, चलो मान लो कि आपका आंसर सीट है तो लिखोगे कैसे सर, यहां पर हम लिखेंगे उत्तर क्रमांक, सर यहां पर हमने लिखा उत्तर क्रमांक कौन सा सर, हम यहां पर आंसर लिख रहे हैं 11 का, किसका 11 का सर, बिल्कुल ये कर देना है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच देना है, बिल्कुल सर हमने खींच दिया। अब मान लो कि कोई बच्चा उनसे ये नहीं बना, कोई किसी बच्चे से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आता, उसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो यहां पर क्या लिखोगे, उत्तर क्रमांक 11 और ये कौन सा अथवा में है, तो अथवा वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर ब्रैकेट में चिपका दो अथवा, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपने किसका आंसर लिखा है, या ऊपर वाले को लिखा है या फिर नीचे वाले को लिखा है। अगर ऊपर वाले को लिख रहे हो तो यहां पर अथवा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नीचे वाले को लिख रहे हो अथवा वाले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर बिल्कुल ब्रैकेट में दर्शा दो सर, हम अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैंने YouTube सीरीज के अंतर्गत बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखो तो प्रश्न क्रमांक 12 भी, ये भी आपके कहा होते हैं आंतरिक विकल्प होते हैं, एक ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है और एक नीचे में क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना, दोनों का आंसर बिल्कुल लिखना, अगर दोनों का आंसर भी आता होगा तब भी किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना है, बिल्कुल, ठीक है। चलो तो प्रश्न क्रमांक 12 हो चुका, प्रश्न क्रमांक 13 इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक ऊपर में और एक नीचे में, किसी एक का ही आपको आंसर लिखना रहेगा। उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक ऊपर में अथवा करके एक नीचे में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का आपको आंसर लिखना रहेगा, बिल्कुल सर। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 ये क्या होते हैं, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प सर होते हैं, बिल्कुल सर। मैं यहां तक की कहानी को समझ लिया, अब चलते आगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 16, जैसे कि हमने निर्देश में पढ़कर आया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 15 और 16 ये 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 5-5 नंबर के लिए होते हैं और दोनों प्रश्न पर आंतरिक विकल्प होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन में से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना है। यहां पर प्रश्न क्रमांक 15, अब मान लो हमें इसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे उत्तर क्रमांक,
उत्तर क्रमांक हम सर उत्तर देने जा रहे हैं किसका, 15 का। तो यहां पर लिखोगे 15। अगर कोई बच्चा अथवा वाले को लिखता है तो यहां पर आप ब्रेकेट में लिखोगे अथवा, क्या लिखोगे, अथवा लिखोगे, ठीक है। अथवा लिखने के बाद एक लाइन ऐसे कर दो, अब आपको क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं उतारना है, इसी जगह इसको सॉल्व करना है, जो दिया जो करना है, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन वाला काम है तो जो जो दिया गया जो जो आपको करना है, हर एक चीजों को आपको लिखते हुए चलना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कोई बच्चा अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब सीरीज के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप जाकर बिल्कुल देख सकते हो, हर चीजें मैंने वहां पर अच्छे से समझाया हुआ, ठीक है सर। चलो, तो प्रश्न क्रमांक 15 और ये प्रश्न क्रमांक 16, ये दोनों जो है वो 5-5 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों में आंतरिक विकल्प है। अब चलते हैं आगे, तो यहां पर आ चुका है प्रश्न क्रमांक 17। क्या आ चुका, प्रश्न क्रमांक आ चुका 17। 17 और 18 हमने निर्देश में ही पढ़ा हुआ है कि दोनों 6-6 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है और ये दीर्घ उत्तरी होते हैं। इसका जो आंसर होता है ना वो 3-4 पेज में बनता है, कितना, 3-4 पेज में बनता है, बिल्कुल एकदम राइटिंग बना के लिखोगे, लाइन थोड़ा गैप करके लिखोगे, स्पेस दे देगा लिखोगे, एक लाइन छोड़ छोड़ के, तो 3-4 पेज में बनने वाला सवाल होता है जो कि 6-6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और बच्चों एक बात और, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है जिसका आंसर आपको अच्छे से आता होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करोगे, लेकिन जो आपसे पहले बन रहा है, जो आपको एकदम अच्छे से आता है, कहीं पर आप भी नहीं रुकने वाले हो, उस क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है। बाद में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको लास्ट में आप सॉल्व करोगे, ये लिखने का, प्रश्न सॉल्व करने का सही तरीका होता है। ऐसा नहीं करना है कि हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर आप उसको आगे बढ़ाते जाओगे, एकदम कंटिन्यू करते जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि आपने प्रश्न क्रमांक 7 तक एकदम सही से सॉल्व किया, अब आपको प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको अभी छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ, प्रश्न क्रमांक 9 से स्टार्ट कर लो, प्रश्न क्रमांक 8 को आप लास्ट में सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। तो जिसका आंसर आपको पहले आता है, अच्छे से आता है, उसको आप पहले लिखोगे, और जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे। बिल्कुल सर, मैंने यहां तक की कहानी को समझ लिया। चलो, तो प्रश्न क्रमांक 17, देखिए प्रश्न क्रमांक 17 ये 6-6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो दो क्वेश्चन, एक ऊपर में और एक नीचे में, इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। पहले बात देखो, यहां पर ये समीकरण दिए गए, तो क्या करोगे, पहले तो दिया है करके लिखोगे, समीकरण करके लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, मान ज्ञात करना, तो इसी का मान ज्ञात करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको अगर आपको देखना है तो आप हमारे त्रिकोणमिति जो अध्याय का चैनल है वहां पर जाकर देख सकते हो, बिल्कुल हमने एग्जाम सीरीज के अंतर्गत प्ले लिस्ट बनाकर रखा हुआ है, तो त्रिकोणमिति अध्याय के अंतर्गत जो प्ले लिस्ट है वहां पर आप जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18। इस पर भी क्या होता है, इस पर भी 6-6 नंबर आते हैं, दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर लिखना है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी समझ गया, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा हल कर रहा है तो क्या लिखेगा, उत्तर क्रमांक 18, फिर ब्रैकेट में लिखेगा अथवा, क्या लिखेगा, अथवा, अथवा का आंसर दे रहा है, और एक लाइन ऐसे कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करेगा सर, जो जो दिया उसको लिखेंगे, उसके बाद हमें यहां पर सिद्ध करना है तो उसको लिखेंगे, और लास्ट लाइन में जब प्रूफ हो जाएगा तो हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था, क्या, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज की इस क्लास में आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छे से बता दिया, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, कैसे आप कम समय में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिना क्वेश्चन को लिखे, आपको बस आंसर को लिखना है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब मेहनत आप लोगों को पकड़ना है, बहुत कम समय बचा हुआ आप लोगों के पास, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है आपको, बिल्कुल खेलना कूदना दौड़ना भागना सब चीज बंद कर दो, बस खाओ पियो और पढ़ते रहो, यही समय है आपका कुछ कर गुजरने का, बिल्कुल कम समय बचा है, आप अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल बच्चों लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। हम और मिलेंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।